नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। तमाम उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए अब वन स्टॉप हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले ताजा अपडेट पहुंचे आपके पास। जो आज कार्यक्रम किया गया है, किस उपलक्ष्य में किया गया है? आज 239 बटालियन का छठा स्थापना दिवस है। आज ही के दिन 2017 में ये ग्रुप केंद्र पल्लीपुरम त्रिवेंद्रम केरला में खड़ी की गई थी और 2018 में जो है इसको यहाँ शिफ्ट किया गया था और तभी से ये देश के विभिन्न कोनों में जो है स्थापित है। आज स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में जो है ये फिट इंडिया मूवमेंट के तहत ये साइकिल रैली 20 किलोमीटर की। सर, आज कोई और भी कार्यक्रम किए जाएंगे सीआरपीएफ के अलावा? जो है झंडारोहण होगा 9 बजे और उसके बाद 9:30 बजे जो है वो हमारा विशेष सैनिक सम्मेलन होता है वो होगा। उसके बाद में जो है लगभग 11 बजे जो है रक्तदान शिविर एक लगाया जाएगा, जिसमें करीबन 25-30 जवान जो है अधिकारी जो है उसमें रक्तदान करेंगे और शाम को जो है वॉलीबॉल मैच टीमों के बीच में और शाम को जो है बड़ा खाना जवानों के लिए अधिकारी सभी को। सर, साइकिल रैली जो की गई है कहाँ से कहाँ तक की गई थी? ये इसी कैंप से, इसी परिसर से लेकर के और ये अपने रिवर इनसाइड होते हुए बरेली बाईपास से इसके बाद जो मोदी अकेडमी से शहर के बीचों बीच बस स्टैंड रेलवे स्टेशन होते हैं वापस इसी स्थान पर। कौन कौन अधिकारी मौजूद रहे सर इसमें? मैं स्वयं था, मेरे द्वितीय कमान अधिकारी, मेरे उप कमांडेंट, मेरे सहायक कमांडेंट, मेरे मेडिकल ऑफिसर, सूबेदार मेजर, अन्य अतिरिक्त अधिकारी और कंपनियों के तथा मुख्यालय के जो है जवान इसमें शामिल थे। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।